मुद्दे ये हैं कि फसलों के दाम कम हैं, सरकारों की पॉलिसी गलत आ रही है। अब ट्रैक्टर की पॉलिसी आ रही कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर तोड़े जाएंगे, जैसे गाड़ियां तोड़ी जा रही, तो कहां जाएगा भाई किसान? 10 साल में को ट्रैक्टर बदला जाता है। देखो, सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, C2+50 वाला फार्मूला लागू। पंजाब में चुनाव हुए थे, उसमें चुनाव में उतर गए थे, क्या वो भी आज मीटिंग में शामिल होंगे? क्या उनको मीटिंग में बुलाया जाएगा? वे तो नहीं है शायद यहाँ पे मीटिंग। आपको लगता था कि किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए था? नहीं लगता, नहीं लड़ना चाहिए था, हमें पता के हारेंगे। ਸਵਾਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਜੰਡਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਆਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ, ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਛੁੱਟੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮੇ, ਤੋ ਵਹੀ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਈ ਕਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੇ SKM ਠੀਕ ਚਲੇ, SKM ਮਜ਼ਬੂਤੀ SKM ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਰਹੇ, तो वो सारे इशू रहेंगे, क्योंकि कई महीने बाद में SKM की मीटिंग हो रही है। एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या है, क्या मीटिंग में एजेंडा? मजबूत करना SKM को, मजबूत करना और पूरे देश में इसको फैलाना। सरकार के साथ अभी भी लड़ाई है, कौन सी लड़ाई है? सरकार के साथ तो भाई लड़ाई रहती है, सरकार के साथ बिना लड़ाई के क्या युद्ध जीता जाता है? कौन सी लड़ाई है, कौन से मुद्दे आज मीटिंग में उठाए जाएंगे? मुद्दे ये हैं कि फसलों के दाम कम हैं, सरकारों की पॉलिसी गलत आ रही है। अब ट्रैक्टर की पॉलिसी आ रही कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर तोड़े जाएंगे, जैसे गाड़ियां तोड़ी जा रही, तो कहां जाएगा भाई किसान? 10 साल में को ट्रैक्टर बदला जाता है। ये जो NCR क्षेत्र है उसमें 10 साल है, यहां पर 15 साल है। तो ये जो पॉलिसी है ये गलत है। एक जज की गाड़ी, एक डॉक्टर की गाड़ी और किसान का ट्रैक्टर, तीनों बराबर चलते हैं। 10 साल में इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तंग जज भी है देश का कि हमारी गाड़ी तोड़ी जा रही है। आप दिल्ली के जजों से आप बात करो, बढ़िया बढ़िया उनकी गाड़ी, उन्होंने कहा कि 10 साल में गाड़ी नहीं चलेगी, अब इसको हटाओ। कहां से लेकर आएंगे भाई? तो अभी क्या कोई संघर्ष करेंगे, जैसे पिछले दिनों जो दिल्ली में संघर्ष हुआ, दिल्ली के बॉर्डरों पर संघर्ष हुआ, ये कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है ऐसा संघर्ष? अभी उस तरह की पॉलिसी कब, कहां और कैसे बनागा, स्थान कहां रहेगा, वो तो बताएंगे आने वाले टाइम पे क्या रहेगा। MSP को लेकर किसानों पर जो पर्चे हुए उसको लेकर भी आज मीटिंग की जा रही है? हाँ, मीटिंग करेंगे यहाँ पे, सब लोग बातचीत करेंगे आज और उस पर तय करेंगे MSP पे क्या करना है। क्या MSP पे क्या करना चाहते हैं आप? MSP पे देखो, सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, MSP गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो। उसका नहीं पैसे मिल रहे तो सरकारों को सपोर्ट करनी चाहिए, जो किसान है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। कितने किसानों पर ऐसे पर्चे हैं जो आप माफ करवाना चाहते हैं कि पर्चे जो हैं वो माफ हो जाएं? पंजाब में पंचायती जमीनों का बहुत ज्यादा शोर चल रहा है। ये पूरे देश में चल रहा है कि जो पंचायती जमीन है उनपे जिसका कब्जा है वो छूट रहे, ये पूरे देश में। लेकिन जो 40-50-70 साल से काबिज है उसकी एक पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए। किसान नेता पिछले दिन जो पंजाब में चुनाव हुए थे उसमें चुनाव में उतर गए थे, क्या वो भी आज मीटिंग में शामिल होंगे? क्या उनको मीटिंग में बुलाया जाएगा? वे तो नहीं है शायद यहाँ पे मीटिंग। आपको लगता था कि किसानों को चुनाव लड़ना चाहिए था? नहीं लगता, नहीं लड़ना चाहिए था, हमें पता के हारेंगे। लेकिन जो एक उनके दिमाग में रहते हैं कि नहीं, ये जनता हमारे साथ में और हम जीत जाएंगे, वो गलत फहमी थी, वो निकलेगी सबकी। और किसानों को नुकसान हुआ इससे? किसानों को नुकसान हुआ यार, किसानों को कभी भी चुनाव में नहीं जाना चाहिए। ऐसा चाहते हैं किसानों को नहीं जाना? नहीं जाना। सो बिल्कुल, लुधियाना दे विच मीटिंग जा रही है, रकेश टकैत पहुंचे हुए थे। सो गलबात की है, MSP नु लेके अहम मीटिंग रखी गई है। सो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसानों नु चुनावों दे विच नहीं उतरना चाहिए, जिस करके किसान जत्थेबंदियों नु नुकसान होया।